स्वागत है आपका नमस्ते मैडम। जी। नमस्कार मैम। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्कार मैम अच्छा जी। जी, अजय आपका स्वागत है। बताइए क्या सवाल है। जी, हम बहुत परेशान हैं। हमारे गले में सूजन रहती है, क्या में दर्द भी होता है सूजन की वजह से, और थायराइड भी है, और अगर हम गिर गए तो मस्त हुई है। गिर गए थे, हाँ नस में दर्द है। हकीम जी क्या बोल रहे हैं? आप और क्या कहना चाहते हैं? थायराइड के अलावा और क्या है? गले में जो सूजन रहती है, गले में जो दोनों तरफ गांठें होती हैं उसमें एक तरफ सूजन रहती है, गले में पूरे सूजन रहती है और जीभ भी सूज जाती है, फिर में दर्द रहता है, और थायराइड भी है, और बता रहे आप किस तरफ मैम आपकी ना बात थोड़ी हम तक पहुंच पा रही है, थोड़ी नहीं पहुंच पा रही है। आपको गले में सूजन है, गले में दर्द है, थायराइड है और और गिर गए थे तो नस दबी हुई है, कमर की नस दबी हुई है। ठीक कमर की नस दबी हुई है है ठीक है। जी। अच्छा देखिए, थायराइड की दवा अभी छोड़िएगा नहीं, थायराइड की वजह से सब कुछ हो रहा है। तो एक दवा आपको बता रहा हूँ, आपके घर में जो धनिया होता है, धनिया, एक चम्मच धनिया का पाउडर, एक आता है गौन स्याह, स्याह मतलब काला गौंद या गौन स्याह असली लें, आधा ग्राम गौन स्याह एक चम्मच धनिया में मिलाकर सुबह खा लिया करें आप और शाम को खा लिया करें, खाने के बाद खा लें, खाने से पहले खा लें। और ये खाना है आपको एक चुटकी में, जितना खाने का सोडा आ जाए, सोडा आपके किचन में जो होता है ना, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, एक चुटकी में खाने का सोडा लें, पानी में मिलाएं। इस पानी से एक चम्मच धनिया का पाउडर, आधा आधा ग्राम गौन स्याह खाएं दिन में 2 बार। और अपना बहुत ख्याल रखें, आपके दोनों रोगों में फायदा होना मुमकिन है। मनमोहन जी हैं मथुरा से हमारे साथ, स्वागत है आपका जी मैम, मैं मथुरा से बोल रहा हूँ, जी। मनमोहन। सर मुझे ये जानना था, मेरी मिसेज के राइट साइड में कान में पर्दे में जो है छेद बताया डॉक्टर साहब ने जांच में, क्या बताया? कान के पर्दे में छेद। अच्छा, क्या परेशानी हेलो, क्या है उनको? वैसे कुछ कान के पर्दे में छेद बताया, कान में दर्द होता है जी, छेद बताया, कान के पर्दे में छेद और बताया। ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर साहब ने, ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। एक कोशिश करके देख सकते हैं। ये आती है छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी कहते हैं, छोटी इलायची लें और इसके दाने निकाल लें, 2 छोटी इलायची बस काफी है। और एक आता है गौंद चिलगोजा, गौंद चिलगोजा असली लेना है, नकली मत ले लेना। एक चुटकी गौंद चिलगोजा एक चुटकी में जितना आए, और 2 छोटी इलायची रात को सोते समय चबा के खा लें, छोटी इलायची और ये एक चुटकी गौंद चिलगोजा असली खाकर सो जाया करें रात को। दूध भी पी सकते हैं इसके ऊपर, पानी भी पी सकते हैं। आप कोशिश कर लें, महीना 2 महीना मुमकिन हुआ तो आपको फायदा हो सकता है। मिश्रा जी स्वागत है आपका जी मैम, जी। सर वो मेरे बाएं चेस्ट में जलन होती है, कब से है ये दर्द आपको? ये लगभग समथिंग मान लीजिए 1 1 ईयर, 1 साल भर से है आपने चेकअप कराया? जी, कहाँ जलन होती है? चेस्ट में। बस बस बस्ती यूपी, बस्ती यूपी, ठीक है ठीक है। लगभग 1 साल से, लगभग 1 साल से। चेस्ट में तकलीफ है ना आपको? नहीं,
बाएं सीने में जलन होती है। बाएं सीने में जलन होती है जी जी। अच्छा, तो डॉक्टर को बताया, क्या बताया उसने? एसिडिटी होती है। डॉक्टर को उन्होंने बताया, उसने कहा कुछ ऐसा नहीं है, उसने दवा दी, ठीक हो गया था, लेकिन वो बस जब तक दवा खाया तब तक ठीक था, उसके बाद फिर कोई समस्या चल रही है। सौंफ आप जानते ही हैं, सौंफ, धनिया और अलसी तीन चीज़ें हैं। सौंफ, धनिया और अलसी तीन चीज़ें 100-100 ग्राम खरीदें और इनको पाउडर बना के रख लें। और एक आता है नमक जैतून, असली लेना, नकली मत लेना, ये नकली बहुत आता है। नमक जैतून एक चुटकी में जितना आए एक गिलास पानी में मिला दें। ये दुनिया का विशेष नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता और देखने में नमक जैसा ही लगता है। एक चुटकी नमक जैतून एक गिलास पानी मिलाए, पानी का स्वाद भी नहीं बदलता, वैसा ही रहता है जैसा पहले था। इस पानी से सौंफ, धनिया और अलसी का पाउडर का एक चम्मच खाएं और ये पानी पी लें। ज़्यादा परेशानी है तो दो बार, नहीं तो एक बार खाने से पहले ले लिया करें, आपको फायदा होना मुमकिन। बबीता जी हमारे साथ मेरठ से, स्वागत है मैम आपका। नमस्ते दीदी जी। नमस्कार, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगी टीवी का वॉल्यूम कम रखिएगा। ठीक है जी। चलिए आपका सवाल। दीदी मेरे ना उल्टे पैर में बहुत दर्द है। ठीक है। जैसे मैं किचन में काम करती हूँ तो वो सुनपना हो जाता है। ठीक है। और दीदी मेरे से ना चप्पल नहीं पहनी जाती, तलवे में दर्द है बहुत ज्यादा। ठीक है। और ये जो कन की उंगली से दूसरी उंगली है वो दर्द के मारे इतनी चौड़ी हो गई है बहुत ज्यादा। और दीदी मेरे को फ्लैश होने बैठती, नहीं बैठा जाता। और दीदी मैं जॉब करती थी, साइकिल चलाती थी, अब वो भी नहीं कर पा रही, घर में ही बैठती हूँ 1.5 साल से। उम्र कितनी है आपकी? उम्र दीदी मेरी 50 साल है। ठीक है। हाँ, कमर में भी दर्द रहता है दीदी मेरी। ठीक है मैम। बबीता जी मेरा कोई नुस्खा लिया आपने? आदाब। आदाब बबीता जी, आपने कोई मेरा मशवरे का नुस्खा? नहीं, मेरे को 2 महीने हो गए देखते हुए आपका प्रोग्राम, लेकिन सर जी मैं ना आपको लगाते लग नहीं पाती, आज तक मेरी बिटिया ने पता नहीं कैसे लगा दी, जो आपके दर्शन हुए हैं बात हो गई। ठीक है जी। बबीता जी आप अभी जुड़े हैं और पहले से जुड़ते तो अभी तक अच्छे भी हो जाते। मैं अक्सर आपको जो नुस्खा बताता हूँ वो इस तरह के दर्द में, देखिए एक शायद सबसे बेहतरीन नुस्खा है वो। मेरे जीवन में इतनी अच्छी कच्ची दवा या रॉ मटेरियल कभी नहीं आया जितना मैं बताता हूँ गौंसिया के बारे में। गौंसिया दुनिया की बेहतरीन औषधि है जो कच्ची दवा या रॉ मटेरियल है, लेकिन ये नकली बहुत मिलता है, असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। जिसको भी मिल गया उसको भगवान ने फायदा दे दिया। और ये महंगा भी नहीं है, 15-16 रुपए का 1 ग्राम मिल जाता है। और आप यकीन करें जिसको भी 100 ग्राम मिल गया उसको भगवान ने रोग मुक्त कर दिया। बस ये असली होना चाहिए, ये काला गौंद भी इसे कहते हैं, गौंसिया भी। मैंने ही इसको इंट्रोड्यूस कराया तो सब जगह असली मिलता था। अब वो आपको पता है कि जब मैं 10-20 चैनल पर आकर ये बात बोलता हूँ तो लोग उस चीज़ को ढूंढते हैं। अब इसी का फ़ायदा उठाने के लिए लोग ना उससे मिलती जुलती चीज़ देने लगते हैं, असली नहीं देते। तो असली ले लें, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम रात को खाने के बाद पानी से या दूध से। ये 100 ग्राम ख़त्म नहीं हो पाता कि व्यक्ति को भगवान फ़ायदा दे देता है। बस दो बातें और मेरी मान लें, देखिए आप मेहनती हैं तो झाड़ू पोंछा ना करें। और एक और मेरा अनुरोध मान लें कि वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला शौचालय आप यूज़ करें, बस आप इस्तेमाल करें, इसे फ़ायदा उठाएं। जब आपको फ़ायदा हो जाए तो हमें एक बार और कोशिश करके फ़ोन करना।
बस्ती से हैं गीता मिश्रा जी, स्वागत है आपका। वो एक्चुअली मैं लगभग 5 साल से दवा की एक ऐसी समस्या चल रही है, लाखों रुपए की मैंने दवा कराई है, सात सात मिली और लाखों रुपए दवा कराई है, जब तक ट्रीटमेंट चलता है तब तक कहीं कहीं रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन उसके बाद चक्के चकटके पूरे शरीर में हो जाते हैं और जलन होती है, होती है, बहुत परेशान है। वो आपके चकत्ते हो जाते हैं शरीर पे? हाँ, ऑल बॉडी मतलब पूरे शरीर पर। और क्या दिक्कत है? और उस समस्या की भी समस्या, लेकिन दाद की समस्या विशेष है। दाद की समस्या है विशेष। ठीक है, चलिए। देखिए चकत्ते आप उसे ही कह रहे हैं जो पित्ती उछलती है। हाँ, गोल गोल हो जाते हैं, लगभग दो तीन सेंटीमीटर का एक गोला बन जाता है, गोला बन जाता है। खुजली होती है, खुजली होती है, खुजली होती है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। देखिए एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ आपको, ₹5-10 रोजाना का नुस्खा है और आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन ये मेरा अपना रिसर्च किया हुआ नुस्खा है। जिसको भी खुजली और चकत्ते खासतौर पर, ये एलर्जी है एक तरह की, और पित्ती उछलना भी कहते हैं इसे। देखिए एक चुटकी में जितना नमक जैतून आ जाए, नमक जैतून असली लेना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें भी बता रहा हूँ लेकिन वो तो सब असली आप पहचानते ही हैं, लेकिन इसकी आपको पहचान नहीं होगी। नमक जैतून एक दुनिया का विशेष नमक है जो स्वाद में नमकीन नहीं होता लेकिन देखने में नमक जैसा ही होता है, बगैर चखे कोई बता नहीं सकता कि ये कौन सा नमक है। नमक जैतून ले लीजिए और एक चुटकी एक गिलास पानी में डालिए। खाने का सोडा आपके किचन में है जिसे मीठा सोडा कहते हैं, एक चुटकी पानी में डालिए, एक गिलास पानी है, दो गिलास हो तो बहुत अच्छा है, दो गिलास पानी में डालें तो। और ये काली मिर्च, काली मिर्ची गोल गोल जो होती है, ये पाउडर बना के रख लें, काली मिर्ची का पाउडर बना के रख लें, इसकी दो चुटकी खा लें और ये पानी पी लें, दो चुटकी में जितना आए खा लें और ये पानी पी लें, दिन में एक बार या दो बार रोज़ाना, खाने से पहले पिए खाने के बाद पिए। ये नुस्खा 7 दिन बाद असर करना शुरू करता है, थोड़ा सब्र करना और महीना दो महीना ज़्यादा ज़्यादा 3 महीना लेना पड़ता है, आपके दोनों रोग अच्छे होना मुमकिन।